नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप देख रहे हैं इस समय आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसके जो मरीज हैं वो प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज अगर हम नजर डालें तो पूरे देश में करीब 70,000 से 80,000 कोविड के पेशेंट हर रोज आ रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है, यहां पर भी लगातार कोविड के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि सरकार जो है वो अपनी तरफ से कितनी संवेदनशील है आम लोगों के लिए, सरकारी अस्पतालों में क्या लोगों को पूरी तरह से सुविधाएं मिल पा रही हैं या फिर नहीं मिल पा रही हैं, क्या कोरोना का आंकड़ा हमको डरा रहा है। लेकिन हमको इससे डरना नहीं, हमको इससे लड़ना है। आज इन्हीं पूरे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज के इस चर्चा में मौजूद हैं सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर बजरंग सोनी जी, जिन्होंने सरकार के साथ भी मिलकर करीब 25 से 28 सालों तक काम किया है, फिर अब आपने अपना खुद का एक हॉस्पिटल जो है वो शुरू किया हुआ है जयपुर। हमारे साथ बीजेपी से हैं पुनीत कर्णावत जी, जो कि बीजेपी के प्रमुख वक्ताओं में से, प्रखर वक्ताओं में से आते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाज सेवी डॉक्टर आलोक भारद्वाज जी। आप तीनों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आप तीनों से फर्स्ट व्यू के हिसाब से आपके विचार लेना चाहूंगा, उसके बाद हम चर्चा जो है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर बजरंग सोनी जी आपके पास आना चाहूंगा, आप कोरोना को लेकर वर्तमान परिस्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे। कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी, और थोड़ी सी लापरवाही बहुत घातक हो सकती है, ये बात अभी लोगों को समझ में नहीं आई। यानी लोग केवल औपचारिकता के लिए मास्क लगा रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का दिखावा कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी देखते हैं, जर्नलिस्ट को भी देखते हैं, पॉलिटिशियंस को भी देखते हैं कि वो भी अपना मास्क से अपनी चिन को जो है, अपनी ठुड्डी को जो है उसको ढके हुए हैं या अपने गले को ढके हुए हैं, जबकि नाक और मुंह खुले हैं। पार्टी की मीटिंग हो रही है, जातियों के सम्मेलन हो रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं, फोटोग्राफी हो रही है, ये सब बड़ा गड़बड़, बड़ा डरावना बात। तो डरना नहीं चाहिए इतना, वो बात तो ठीक है, लेकिन बीमारी से हमें बचना जी वो हमें करना चाहिए, जितनी सावधानी चाहिए, 6 फीट की दूरी चाहिए, मास्क लगा के रहना चाहिए, बिना मास्क के नहीं निकलना चाहिए, और बिना मतलब बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। आपकी जरूरत नहीं है, जबरदस्ती आप घूमने जा रहे हैं, जबरदस्ती बाहर निकल रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। और इसका नतीजा है कि लॉकडाउन होने के बावजूद हमारे प्रतिदिन 70,000 से 75,000, 80,000 तक भी केस रोज आ रहे हैं, और भारत में आज करीब 39 लाख से भी ज्यादा लोग हो गए हैं, और बिल्कुल डेथ भी हमारे यहाँ 68,000 के करीब डेथ हो गई है। ये बड़ा डरावना सीन है आगे के लिए, क्योंकि आप बहुत तेजी से, इवन राजस्थान में भी, जयपुर में भी बहुत तेजी से, पहले हमें लगता था पर्टिकुलर रामगंज में फैल रहा है, पर्टिकुलर शहरों में फैल रहा है, अब आपके मोहल्ले पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में भी ये फैल रहा है। तो इससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत सावधानी। बिल्कुल, इसके बचने की बहुत जरूरत है, इसके बचाव की बहुत जरूरत है। मैं पुनीत कर्णावत जी आपसे जानना चाहूंगा, आपका फर्स्ट व्यू क्या है कोरोना को लेकर। डॉक्टर साहब का चिकित्सा क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव है, और एक अनुभव ये डॉक्टर ने जो बात कही है मैं उससे अपनी पूर्णतः सहमति व्यक्त करता हूँ। शुरू में कोरोना के बारे में जितनी जागरूकता के साथ आम नागरिक, सरकार, सामाजिक संगठन और मीडिया जिस प्रकार से कार्य कर रहा था, उसने एक ऐसा वातावरण पैदा किया जिसमें लोगों ने बहुत समझदारी के साथ कोरोना के साथ डील करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता है, वैसे वैसे कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर रहा है, और हम सबकी सावधानी कम होती जा रही है। इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। केवल मात्र एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने को मैं इसका कोई आधार नहीं मानता। सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण ढंग से निभानी चाहिए। आम नागरिक के नाते मेरी जिम्मेदारी है वो मुझे निभानी है, और सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार को निभानी है। मैं मानता हूं कि दोनों ही पक्ष अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अभी पूरी तरीके से सफल नहीं हुए, कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। ये विषय ऐसा है जिसके ऊपर मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट आपकी पूरी चर्चा में नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं ये बात पुरजोर शब्दों में कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की सावधानी राज्य सरकार ने शुरुआत में दिखाने की कोशिश की वो डेविएट हो गए, उनका सारा ध्यान राजनीतिक गतिविधियों पर चले गया, अब उनके उनकी पार्टी में जिस प्रकार का संक्रमण उत्पन्न हुआ उस पर चले गया, और कोरोना के संक्रमण से वो
हट गए, जिसका दुष्परिणाम राजस्थान अभी तेजी के साथ देख रहा है। बिल्कुल पुनीत जी, हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। आलोक जी, आप अपने फर्स्ट व्यू में क्या कहना चाहेंगे? आप समाज सेवी हैं, आप लोगों से मिलते रहते हैं, आप कई अस्पतालों के भी चक्कर लगा के आए हैं, आपका क्या कहना है फर्स्ट व्यू के दौरान? देखिए दीपक जी, अभी मैंने डॉक्टर बजरंग जी को भी सुना और पुनीत जी को जब सुना तो मुझे लगा कि शायद अगर किसी भी राजनीतिक दल में इस तरह की सोच के व्यक्तित्वों का जब आकलन हो जाएगा ना, तो समाज में उत्थान संभव है। आज मुझे अच्छा लगा कि पुनीत जी ने कहा कि मैं इस पर कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दूंगा। मुझे ही क्या, जो आपके दर्शक देख रहे हैं हमारे, उनको भी अच्छा लगा होगा। अब हम बात कर लेते हैं, आपने मेरा व्यू पूछा कोरोना का, तो समस्या यही है कि ठीक है, ये सब जानते हैं कि जिम्मेदारी तो आपने बता दी, पुनीत जी ने कह दिया सबकी जिम्मेदारी है, मैं खुद कह रहा हूँ आलोक की भी जिम्मेदारी है, दीपक जी की जिम्मेदारी है। कहने से कुछ नहीं होगा, कहने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि निजी हितों को त्याग कर, क्या है कोरोना, इसी ने सोचा भाई, कहा गया था शुरुआत में जब आया था कि कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, रोटी की व्यवस्था करवाएगा जिसको चाहता बनाया हमने, लोकतंत्र है, जनतंत्र है, सरकारें कहां चली गई आप ये बताइए, खुद का तो काम कर रहे हैं, परिसर होटलों में रह जाते हैं, और रोटी जब नहीं मिलेगी ना तो कोरोना से आदमी को बचा लोगे, बेचारा घर के अंदर मर जाएगा। मैं तो इंसान हूं, इंसान के नाते आपसे कह रहा हूं कि जब नहीं है क्या रोटी रोजगार के लिए नहीं जाएगा? कहने से, दिखाने से, बातें करने से, बयानबाजी से, सरकारें ये रोक देंगी, वो खर्चा रोक देंगी, दिखावटी बातों से कुछ नहीं होता। सच्चाई जो है ना, मैं शुरुआत में आपको बता दूं कि जो है ये अखबार ही लिख रहा है ना सारी सच्चाई, आप ये देखिए ना, आज हर आदमी ने पढ़ लिया होगा कि क्या कंडीशंस है। तो इनसे ज्यादा कुछ नहीं कहना, कहने से कुछ नहीं होगा, कोरोना है। मुझे तो ये लग रहा है कि कोरोना ठीक है, अगर चला जाएगा, अगर यही हाल रहा है इन सरकारों का, तो कोरोना का को तो चला जाएगा, लेकिन बेचारी इस जनता का, मेरे राजस्थान की जनता को वर्षों तक रोना रह जाएगा। दीपक जी, कोरोना का को चला जाएगा, रोना रह जाएगा, इस पर भी सोचना है। इसी मुद्दे पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। बिल्कुल आलोक जी, इसी मुद्दे पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे राजस्थान के अलग अलग जगहों से, चाहे वो हम जयपुर की बात करें, चाहे हम जोधपुर की बात करें, चाहे अजमेर की बात करें, चाहे अलवर की बात करें, चाहे बीकानेर और कोटा की बात करें, लगातार हमारे जो सिटी लाइव के दर्शक हैं वो हमें अपनी शिकायतें भेज रहे हैं, अपना दर्द भेज रहे हैं कि वो किस तरह से परेशान है। हमारे संवाददाता पूरे राजस्थान के अलग अलग सरकारी और निजी अस्पतालों में उन्होंने दौरा किया और व्यक्तिगत रूप से वहां पर जाकर देखा, लोगों से बातचीत की, उनको कितनी परेशानियां हो रही हैं, ये दर्द जो है आज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कितने परेशान हैं। और सरकार जो है वो बड़े बड़े दावे कर रही है, एसी कमरों के अंदर बैठ के, होटलों में बैठ के बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम जो है वो पूरे संवेदनशील हैं, लेकिन मुझे लगता है, हमें लगता है, हमारी टीम को लगता है, और जिन्होंने ये दर्द उठाया है, जिनके घर में मौत हुई है, उनको इस दर्द का एहसास है कि सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार के जो कर्मचारी हैं, वो कितने संवेदनहीन हैं। बीकानेर की बात करें, बीकानेर के पीडीओ और सिटी लाइव को ही नहीं लगता दीपक जी, केवल दीपक गोस्वामी और सिटी लाइव की टीम को ही नहीं लगता, हर सच्चे राजस्थानी को ये लगता है। जो आपने कहा ये केवल आपके दर्शकों ने, आपने तो सौभाग्य से उठाया, आपने इस विषय को उठाया, आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तो शुरुआत में धन्यवाद दे रहा हूँ, अंत में देने की जगह, ये आपको ही नहीं लगता, सच्चे राजस्थानी को, जिस आदमी के अंदर इंसानियत है हमारा। देखिए, राज कोई भी कर लेता, दानव भी राजा कहलाते थे, ऐसा नहीं है, सुविधाएं दानव भी लेते थे, लेकिन दानवीयता और मानवीयता में यही फर्क है कि रावण को आज जलाया ही जाता है, और 14 साल का अगर राम ने वनवास किया तो उसके जन्मदिन पे आतिशबाजी करके उत्सव मनाया जाता है। तौर पर सबसे बड़ी चीजें यही याद रखने की जरूरत है। बिल्कुल आलोक जी, हम चर्चा कराएंगे, हम सीधे आपको बीकानेर लिए चलते हैं, जहां पर जो एक पीड़ित परिवार है, उनके एक व्यक्ति हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। पहले आइए हम उनकी बात सुनते हैं। मैं गोस्वामी मेरे पापा ने 17 तारीख को 2 दिन 3 बुखार आने के बाद एक सजग नागरिक होने के नाते कोरोना की जांच करवाई और पॉजिटिव पाए जाने पर वे 3 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहे, जहां उनकी तबीयत शायद क्विनिन की ओवरडोज की वजह से ज़्यादा बिगड़ गई, वीकनेस आ गई। फिर उन्हें कोविड हॉस्पिटल ले जाया गया देर रात्रि 3 बजे। वहां पहुंचने के बाद स्टाफ द्वारा पेशेंट्स की अनदेखी और दवाई और खाने से संबंधित लापरवाही, जैसे कि खाना 4 से 5 घंटे में उनके पास पहुंचता था जबकि हम 10 बजे पहुंचा देते थे, उनके पास पहुंचता था 2, 1, 2, 3 बजे इस तरीके से। और वे डायबिटीज़ के मरीज थे, डायबिटीज़ के पेशेंट थे, और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दवाई और खाना समय पर पहुंचना कितना ज़रूरी है ये सब लोग जानते हैं, और ये ना पहुंचना, खाना ना पहुंचना, दवाई ना पहुंचना जैसी शिकायतें मैंने पिताजी से वीडियो कॉल के जरिए सुनी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि
ना तो उधर किसी को अंदर जाने की अनुमति थी और ना ही अस्पताल की ओर से मरीज के हालत से संबंधित कोई भी औपचारिक सूचना आती थी मेरे पास या मेरे किसी परिजन के पास। मेरे पापा को कब आईसीयू में ले जाया गया, कब उनकी मृत्यु हुई, कब उनके पार्थिव शरीर को मोर्चरी में भेज दिया गया, इसकी मुझे कोई सूचना नहीं थी। मृत्यु की भी सूचना मुझे हॉस्पिटल के गार्ड द्वारा दी गई। जब मैं नाश्ता लेके उनके पास गया 8 बजे के करीब, जबकि उनकी मृत्यु 4 बजे हो चुकी थी, मोर्चरी पर मेरे पापा की बॉडी भी मुझे देखने को नहीं दी गई। मुझे नहीं पता, और मृत्यु के पश्चात भी जरूरी कागजों की मांग करने पर मुझसे बदतमीजी से बात की गई। वहां पर संवेदना की जगह मुझे धुतकार मिला। किसी भी पद पे है कोई भी व्यक्ति है अस्पताल प्रशासन के, वीडियो फुटेज मांगने पर कैमरा टूट जाने के कारण बताकर मुझे वापस भेज दिया गया, जबकि हॉस्पिटल की चारों मंजिलों के कैमरे एक साथ टूट जाए कितनी संभव बात है इसका अंदाजा सब लगा सकते हैं। आज प्रशासन मेरे परिवार द्वारा शिकायत दर्ज करने पर सीसीटीवी कैमरा लगाने, मरीजों की नियमित खानापूर्ति जैसे आश्वासन तो दे रही है, लेकिन मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं मिला। मेरे पिताजी की मृत्यु ना ही कोविड के कारण हुई, ना ही उनकी मृत्यु अस्पताल की लापरवाही और गैर जिम्मेदार हरकतों के कारण हुई। मैं कार्तिक दोस्तों सदस्य जिन्होंने अपना दर्द बताया, इनके जो रिश्तेदार थे उनको सुगर थी और सुगर के बाद उनको जब कोरोना संक्रमण हुआ तो उन्होंने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। उनका नाम है दिनकर गोस्वामी, जो कि एक सरकारी ओहदे में अच्छे पद पर काम कर रहे थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन अचानक उन्हें बुखार हुआ, कोरोना का उन्होंने टेस्ट कराया, कोरोना संक्रमित निकला, तो उन्हें पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनके परिवार के लोगों ने डॉक्टर को वहां पर स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ये सुगर के पेशेंट हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ कोरोना का इलाज होता है, लेकिन उन्होंने साथ में जो सुगर की टैबलेट होती है वो टैबलेट भी दी, और टैबलेट देने के बाद में डॉक्टरों को और वहां के जो कंपाउंडर थे उनको बताया कि इनको नियमित रूप से खाने से पहले ये टैबलेट देनी है, लेकिन वहां पर उनको वो टैबलेट नहीं दी गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही वहां के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर संजय कोचर, उनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन पे बात की थी। उनका ये कहना था कि हम चाहे हार्ट का पेशेंट हो या सुगर का पेशेंट हो, उनको हम नियमित रूप से हमारी तरफ से दवा देते हैं। मेरा सवाल उनसे ये था कि अगर आप अपनी तरफ से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, अपनी तरफ से अगर किसी को दवा देते हैं, तो वो प्रिस्क्रिप्शन पर भी तो लिखते होंगे ना। उन्होंने वो प्रिस्क्रिप्शन आज की तारीख में इनके परिवार में मृत्यु हुए आज हफ्ता 10 दिन हो गया है, और एक और पेशेंट है राम सहाय हर्ष, जिनकी माता जी का देहांत हो गया वहां पर कोरोना वार्ड में हार्ट को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी उनका वहां पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया। उन्होंने बड़े ही दुख से हमें ये बताया कि उनके साथ उन्होंने जो टैबलेट माता की जी के लिए दी थी वो टैबलेट सारी की सारी वापस आ गई, जब उनकी डेड बॉडी आई तो वापस आ गई। तो मैं यहाँ पर डॉक्टर बजरंग सोनी जी हैं, उनसे हाई कोर्ट ने आज कहा है। दीपक जी, मैं बिल्कुल हाई कोर्ट का एक था आपके विषय में ही, नहीं मैं आपके ही विषय में एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ कि आपने जिनको बताया बीकानेर का, तो आप ये देखिए कि जयपुर में भी ये घटना हुई थी नवरत्न महावर्ग की, सबको पता है आरयूएचएस में, और अभी हाईकोर्ट ने कल ही उस पर एक निर्णय दिया। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछ लिया उसी के लिए क्या हुआ था उसके पुत्र की, जब सूरज महावर ने जो याचिका लगा रखी है उस याचिका पे कल हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया इसी पे कि भाई किस तरह से इलाज में क्या हो रहा है। आप ही देखिए, आपकी बात को हाईकोर्ट ने भी उठाया है कल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी मुद्दे पर, क्योंकि डॉक्टर बजरंग सोनी जी काफी अनुभवी हैं, आपने सरकार के साथ मिलकर भी 25 साल तक काम किया है, आप अपना हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, तो मैं सोनी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह के जो डॉक्टरों का व्यवहार होता है उसको आप किस नजरिए से, क्या ये लापरवाही की श्रेणी में नहीं आता है? मैं आपको बता दूं कि मैं अभी कोरोना का पेशेंट होके भी आया हूं जी, अभी 10 दिन कोरोना में एडमिट होके आया हूं मैं, पर कोरोना के जो अंदर की वार्ड की जो सिचुएशन है वो इतनी कहना चाहिए, मरीज बहुत ज्यादा है, स्टाफ कम है, दूसरा बात है मास्क लगाने के बाद कैप लगाओ, तो मरीज ज्यादा होने पे आप मरने तो नहीं छोड़ेंगे ना उनको? नहीं मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। मैं कहना चाहूँ कि जो व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह से उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसके अंदर अभाव है, उसमें कमी है, जैसे डायबिटीज का आप बता रहे हैं,
कि डायबिटीज में जाते ही गोलियों से इंसुलिन पे लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज की जब दवाएं कोरोना की देते हैं तो इंसुलिन डायबिटीज बढ़ जाती है, तो उसको रोकने के लिए हमें इंसुलिन पे लेना चाहिए, लेकिन हो सकता है गोलियां ही देते रहे उसका पूरा वर्कअप। गोली भी नहीं दी सर, मेरी डॉक्टर कोचर से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम गोलियां बंद कर देते हैं क्योंकि इंसुलिन बढ़ जाता है तो हम इंजेक्शन देते हैं, तो इंजेक्शन देते होंगे तो प्रिस्क्रिप्शन भी तो लिखते होंगे ना, जो टिकट होता है जो उसका कार्ड होता है उसमें भी तो वो लिखते होंगे ना कि हमने ये इतने बजे ये इंजेक्शन दिया, इतने बजे ये इंजेक्शन दिया। लेकिन 28 तारीख की प्रातः 4 बजे जब उनकी मृत्यु होती है और आज 4 तारीख हो चुकी है, आज की तारीख तक उनको एक कागज भी नहीं दिया है, क्योंकि उनके परिवार आज भी चक्कर लगा रहे हैं अस्पतालों के, पीबीएम अस्पताल बीकानेर का आज भी चक्कर लगा रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी है कि जो कागज पे काम होना चाहिए और जो सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सीनियर डॉक्टर उसको देखें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देखें, मोबाइल में आजकल सबके पास एंड्रॉइड होता है, पेशेंट को कंफर्म हो तब बताएं कि आपका ये मैनेजमेंट हमारा तरीका है, हम ये करें, लिख के दे सकते हैं, समझा सकते हैं। ये कमी वास्तव में कमी है जिसके कारण से मरीज के रिश्तेदारों को लगता है कि इलाज कई बार हो जाता है लेकिन कागज की पूर्ति नहीं होती और मरीज को लगता है कि हमारे मरीज इस कारण से मर गया। वो बात आप ठीक कह रहे हैं जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर कि हमें और ज्यादा अवार्ड बढ़ाने पड़ेंगे, उसकी मॉनिटरिंग को और बेटर तरीके से करना पड़ेगा कि मरीज के पास आजकल एंड्रॉइड फोन हर एक के पास रहता है, मरीज को खासतौर से बताया जाए कि आपकी ये प्रॉब्लम है, हमने ये दवाई इस तरह से चालू की, आपको ये ध्यान रखना है और कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत हमें सूचित करें, उसकी एक अलग से सेल बने, अलग से एक अफसर बैठे जो इस बात को देखे कि कौन मरीज के इंजेक्शन दवाई टाइम से लगा या नहीं लगा, तो हम इस बीमारी से और शिकायत से बच सकेंगे और हम ज्यादा बढ़िया परिणाम ले पाएंगे। आलोक जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं पुनीत जी के पास आना चाहूंगा। पुनीत जी, आप क्या कहने जाएंगे इस विषय पर जो मैंने अभी आपको पूरी चर्चा बताई उसके बाद? देखिए दीपक जी, लापरवाही सब जगह हो रही है और जिस प्रकार से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शुरुआत में काम की, मुझे लग रहा है कि ठीक मोटिवेशन के अभाव में सरकार और एक ठीक प्रकार के मोटिवेशन के अभाव में उनकी उनकी वो जो सतर्कता थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। उनका डेडिकेशन के ऊपर मैं किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन जिस तेजी से मरीज बढ़े हैं उस अनुपात में जिस प्रकार की सावधानियां बरती जानी चाहिए थी, उसमें जगह जगह हमारे को ये नजर आने लगा है कि वहां पर ठीक प्रकार से देखभाल नहीं हुई है। इसलिए कोरोना इतना घातक नहीं है, कोरोना की मोर्टेलिटी रेट 1.7 से कम हमने कंट्रोल कर ली है, जो शायद पूरे विश्व में जहाँ बहुत पेंडेमिक रूप में कोरोना आया है उसके अंदर भारत भी एक ऐसा देश है जिसने मोर्टेलिटी रेट को बहुत कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जिस प्रकार की सावधानी जिस प्रकार की सतर्कता अस्पतालों में भर्ती जानी चाहिए थी उसमें न्यूनता आई है, उसमें कमी आई है, उसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि ऐसी मौतें भी हमारे सामने आई है जो अन्य बीमारियों की ठीक प्रकार से दवाई नहीं दिए जाने के कारण। बिल्कुल, मेरा सिर्फ इसमें इतना आग्रह है कि इस बारे में सीनियर डॉक्टर्स को भी मोटिवेट करना चाहिए अपने स्टाफ को, उनको अपनी निगरानी बढ़ानी चाहिए, जैसा डॉक्टर बजरंग सोनी कह रहे थे कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, उस प्रकार के सीसीटीवी कैमराज वहां पर लगने चाहिए, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी बार बार कहा है कि जहां कोरोना पेशेंट्स का इलाज हो रहा है वहां सीसीटीवी कैमराज लगाए जाए। मैं आपको बीकानेर के ही पीबीएम अस्पताल की बात बता देता हूं, वहां पे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं लेकिन जब उनको कहा कि आप फुटेज दे दीजिए तो उनका ये कहना है कि ये तो 22 तारीख से ही खराब पड़े हैं तो हम आपको कैसे दे सकते हैं। जब मरीज के रिश्तेदारों ने उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगा, दिनकर गोस्वामी के परिवार ने जब सीसीटीवी फुटेज मांगा, राम सहाय हर्ष के परिवार ने जब सीसीटीवी फुटेज मांगा, तब उनको ये याद आया कि यहाँ पर पिछले 10 दिनों से सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। जब उनको ये कहा गया कि यही दुखद बात है कि हमने इसके बारे में अपनी जिम्मेदारियों को धीरे धीरे कम करना अपना शुरू कर दिया। सरकार में ये डॉक्टर्स की जहाँ जिम्मेदारी है वही अस्पताल के प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, ये टीम वर्क है। बिल्कुल, सरकार डॉक्टर्स को ठीक प्रकार से इलाज करना चाहिए, वहीं अस्पताल के प्रशासन को इन सब जिम्मेदारियों से भी अपने आप को पीछे नहीं हटाना चाहिए। और कोई भी ऐसी मौत जिसको बचाया जा सकता था वो किसी असावधानी के कारण हुई है, किसी गलत प्रक्रिया के कारण हुई है, वो ज्यादा दुखद है। और मैं समझता हूँ कि आप जिस विषय को उठा रहे हैं इस विषय के ऊपर सरकार गंभीर होगी, अस्पताल के प्रशासन गंभीर होंगे, सीनियर इसकी जिम्मेदारी मैं मानता हूँ
कि प्रशासन की है, सरकार की है और डॉक्टर्स की भी है। निश्चित तौर से आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ उससे पहले, बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ उससे पहले मैं आपको ये मैसेज दिखाना चाहता हूँ जो कि राम सहाय हर्ष ने बीकानेर से हमें बताया है। उन्होंने ये सोशल मीडिया में भी डाला है। उन्होंने लिखा है कि आज फिर मैं हमारे दर्शकों को और हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि वो इसको गौर से सुने इस बात को कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आज फिर मैं एक बार सोचने के लिए मजबूर हूं कि सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर मेरे माताजी कोरोना की चपेट में आने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अंतिम रिपोर्ट में वो नेगेटिव आई थी। सरकार उनके इलाज के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल लेकर गई। मेरी माँ का हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। उनकी सारी दवाएं जो हमने उनको शुगर की और हार्ट की जो दवाएं दी थी वो एज इट इज वापस आ गई उनकी डेड बॉडी के साथ में। स्वास्थ्य विभाग बार बार यही कह रहा था, हमने भी उनको यही कहा था कि आप हमारी माताजी को लगातार दवाएं दीजिए क्योंकि वो हार्ट की पेशेंट हैं। उसके बाद भी उनको एक भी दवा नहीं दी गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से नाम लेकर ये भी लिखा है कि इससे बड़ी संवेदनहीनता डॉक्टर सलीम और उसकी पूरी टीम की क्या हो सकती है। लचर व्यवस्था है, लानत है ऐसी व्यवस्था पर। अगर स्वास्थ्य विभाग संभाल नहीं सकता तो मेरी उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो हमें मारने के लिए घर से अस्पताल न लेकर जाए। ये उन्होंने बड़े ही दुखी मन से होकर ये सोशल मीडिया में भी डाला है और हमें भी इसकी कॉपी जो है वो भेजी है। आलोक जी, अब आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। आप समाज सेवी हैं, आप खुद सरकारों से लड़ते रहते हैं, आप खुद समाज सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। दीपक जी, ये आपने जो अभी हर्ष जी का संदेश पढ़कर सबको सुनाया, हकीकत बात है कि इस तरह की चीजें कोई अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए नहीं लिखेगा। ये कड़ा सच सब जानते हैं। कहने वाले हो सकता है इसकी काट करने लग जाएंगे जिनको विरोध करना होगा, लेकिन ये दिल का दर्द जो है ये हर्षी के दिल का दर्द नहीं है, हर इंसान के दिल का दर्द है। आपको मैं बता देता हूँ इसी जयपुर का एक किस्सा की आपकी वजह से। आप ये देखिए कि मैं आलोक वर्धक चाहे मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैं अपनी आवाज बुलंद तरीके से उठाता हूं, आप लोगों के सहयोग से उठाता हूं, इसलिए जनमानस में शायद ये छवि बन चुकी है कि आदमी हमारे लिए कुछ कर पाएगा। मेरे पास रात को कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूं कि एक फोन आया जयपुर के निजी प्रतिष्ठित बैंक के एक सहायक ब्रांच प्रबंधक का, जिनको कोरोना होने के कारण अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था जयपुर के प्रतिष्ठित अस्पताल में। अब आप ये देखिए कि क्या स्थिति होती है। जो कारकार्ड हो ना, आपने भी जो डॉक्टर वाली कहानी बताई दीपक जी, उनको भर्ती कर दिया गया, पैसा लिया जाता। पैसा जो होता है बैंकों में, नियम होता है कि ठीक है पैसा जो है वो बैंकों से अपने आप दिया जाएगा, उनका एक वो फिक्स शेड्यूल होता है उसमें से जाएगा। तो आदमी क्या करता है, चार पांच दिन बाद उस व्यक्ति का फोन आया कि भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, घर जाना चाहता हूँ, होम क्वारंटाइन सरकार के नियम है, लेकिन ये छोड़ नहीं रहे हैं, है ना। और वहां पे स्थिति आपको क्या बताऊं कि उस व्यक्ति ने मुझे सारी चीजें बता दी थी। उसने चुपचाप से कहीं अपना खुद का वीडियो बना के भेजा, आज भी सुरक्षित है वो चीज, कि उसने बताया कि भाई ये स्थिति है। अब आप ये देखिए कि वो डॉक्टर जो उस अस्पताल में भर्ती कराने थे वो शायद मुझे नाम से पहचानते और निजी रूप से जानते। रात को 11:30 बजे मैंने उस डॉक्टर को, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं क्योंकि किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना मेरा ना तो कभी धर्म रहा है ना मैं समझता हूँ, लेकिन अगर कोई जानना चाहेगा तो मैं उसको व्यक्तिगत बता सकता हूँ। उस डॉक्टर को रात को 11:30 बजे हमने सिर्फ एक मैसेज किया है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ठीक है, इतना जरूर कह सकता हूँ डॉक्टर मेरा नाम राशि था, इतना ही सब आते हैं समझते हैं। मैंने कहा जी डॉक्टर साहब स्थिति यह है कि इस तरह से ये बैंक के उनको रखा गया है और ये कंडीशन, और मीडिया के पास ये सूचना आ रही है। मैंने सिर्फ अंदाज लेके कहा, देखिए आप बैंक तत्कों की मीडिया था अच्छा, मैंने कहा आप उनको रख रखा है और बिलिंग के चक्कर में उस व्यक्ति को छोड़ नहीं रहे। आप ये देखिए कि जहां उस व्यक्ति ने अपने बैंक के सीनियर प्रबंधकों से बात कर ली थी, सब जगह बंटवारा होता है, चाहे सरकारें हो चाहे प्रबंधक, यही तो कंडीशन यही खराब है कि बंटवारे वाले सिस्टम है, क्योंकि आ रहा है तो हिस्सा सब जगह बंटता, उस तक उसके सीनियर लोग भी छुड़वाने थे, नहीं नहीं साहब ये तो प्रोटोकॉल है, नहीं छोड़ेंगे जब छोड़ेंगे। और जब रात को 11:30 बजे आलोक भारद्वाज का मैसेज गया, आप देखिए कि रात को 12 बजे उस डॉक्टर ने पहुंच के उस आदमी को रिलीज करवा दिया वहां से, और उसके चक्कर में वहां जो 3 आदमी थे उस बैंक के उनको रिलीज करके घर भेज दिया, वो लोग स्वस्थ है। आप ये कंडीशन देखिए कि इसके आड़ में धंधे पानी हो रहे हैं, जैसा आपने बीकानेर का हिस्सा बताया। आप कल आपने सरकारों की स्थितियां हैं, हम ये बात कर रहे थे, पुनीत जी ने अभी कहा कि मोर्टिलिटी रेट कम हो गई है ना। पुनीत जी मैं आपका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन इंसानियत वाली बात में आप ये देखिए, अगर मोर्टिलिटी रेट देखिए आंकड़े बाजी, आज की जो पड़ताल का विषय है वो यही है कि आंकड़े सच्चे हैं झूठे हैं। दीपक जी आपने विषय भी यही रखा है, मुझे लगता है कि कोरोना से मरीज जो है वो कम मर रहे हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ दीपक जी, पुनीत जी भाई साहब अखबार आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, सब पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री भी पढ़ते होंगे। आप देखिए 2 पन्ने आज अखबारों के
ये कि बैठकों के दो पन्ने जो आ रहे हैं उनको देखकर दुखी हो जाता है आदमी की, कभी आपने देखा था कि इतने, और ये भी हम जानते हैं कि हर व्यक्ति की खबर कभी उन बैठकों में नहीं आती है, उसमें कितने युवा आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन सरकारों को जो बैठकर, और ये आप ये कह रहे थे कि किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करेंगे, आप राजनेता नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के मतलब राजनेता हो चाहे कोई भी हो, जनतंत्र लोकतंत्र जो है उसी जनता से बनता है। मुख्यमंत्री से पहले बेचारा आम आदमी है, गरीब आदमी है, घर में नहीं बैठ सकता, रोटी की व्यवस्था नहीं है। आपने जब स्थिति भी आम जनता के वोटों से सरकार बनती है दीपक जी सबसे बड़ी बात है बीज, तो किसका ख्याल दीपक जी, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि जब बीज लगता है ना पेड़ बड़ा हो जाता है फिर तो फली आने लगते हैं, वो कंडीशन है। आज कंडीशन क्या हुई कि जब शुरुआत हो रही थी इस कोरोना की राजस्थान में फैलने की, सरकार है फाइव स्टार होटलों में जाके क्वारंटाइन हो गई, और उस खर्चे को कहां से निकाला गया वो सबको पता है, जनता परेशान है, चाहे बिजली में मार दिया हो कहीं भी मार दिया हो, आपने हजारों विषय आपने भी उठाए हैं, उनमें सरकारें त्रस्ती, उन बीज लग चुका, कोरोना फैल चुका। आज ये सब बयान आ रहे हैं कि साहब हम ये खर्चे रोक देंगे, वहां होटलों में जाना रोक देंगे, विदेश यात्रा रोक देंगे। विदेश जा कौन रहा है भाई, जब विदेशों में जाना वर्जित है, फ्लाइट ही बंद है, तो दिखा के बेचारी जनता को बेवकूफ मत बनाइए। धन्यवाद इस मीडिया ने, और मीडिया वाली भी बात मैं आपको बता रहा हूँ दीपक जी, कि स्वतंत्र मीडिया निष्पक्ष मीडिया बिरले ही होते हैं, आपके जैसे जो उठा रहे हैं उनकी भी कई मजबूरियां हैं, सब जानते हैं कि मीडिया में काम करने वाले को दोषी नहीं ठहरा रहा, पत्रकार बेचारा स्वतंत्र हो सकता है, उसके भी बच्चे हैं, लेकिन वो अपनी बातें दिल की उठाए। मेरे कुछ व्यक्तिगत मित्र हैं पत्रकार, स्वास्थ्य को कवर करते हैं, अब देखिए जो डाटा आ रहा है ना, अगर मैं चाहूँ वो खुद मेरे बता सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास में 100 का डाटा है तो मजबूरी में 30 ही दिखाना पड़ रहा है, क्या है वो कारण आज आम आदमी समझ सकता है। स्थितियां ये है कि सरकारों ने जो वर्तमान की स्थिति है कितनी गंदी है, राजभवन कोरोना से ग्रसित हो चुका, मुख्यमंत्री निवास में 10 लोग मिल चुके हैं उसके बाद भी, और आप कल की गड्ढा देखिए, आज के अखबारों ने लिख भी दिया है कि बेचारे एक 75 वर्षीय वृद्ध ऑक्सीजन का वेंटिलेटर सिलेंडर लेके RUHS की सीढ़ियों पे 5 घंटे, शाम को 5 बजे पहुंच के 10 बजे तक कोई अंदर नहीं ले रहा है, और अगर मैं मंत्री हूं तो मुझे तुरंत अंदर लिया जा रहा है, मैं सिफारिश हूं तो अंदर लिया जा रहा है। भाई कोरोना किसी को छोड़ रहा है क्या, कोरोना में इंसान सब रहा है, मंत्री किससे बनता है, कहने को भाषण में आ जाएगा, नहीं साहब जनता हमारे लिए प्रबल है, हम जनता के हैं, जनहित पर्याप्त है, संवेदनशीलता, ये सब दिखावटी चीजें बंद नहीं होंगी ना, तो ये कोरोना ही सिखा देगा दीपक जी, सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब जहां पूरी सरकार बैठी है, जहां पर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री खुद जिस शहर में बैठे हैं, जयपुर शहर की बात करें, वहां के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, लेकिन बातों में हम पीपीई किट का घोटाला कितने घोटाले कर रहे हैं, पैसा ही पैसा कमा रहे हैं, तो मंत्री सिर्फ पैसे ही दुकान बना रहे हैं। जब जयपुर के अस्पतालों की ये हालात हैं, तो दूसरे शहरों के अस्पतालों के क्या हालात होंगे, क्या आम जनता के उन तक बात पहुंच पा रही है। जी पुनीत जी, दीपक जी सारे राजस्थान के अस्पतालों की हालत बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। कल मैंने जयपुर से कोटा के अंदर एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, मुस्लिम डॉक्टर है, उनका नाम मैं भी भूल रहा हूँ, वो वहां पर एडमिट हैं और उनको डॉक्टर को भी इंजेक्शन नहीं मिल रहे, वो इंजेक्शन मैंने जयपुर से भिजवाए हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि सरकारों ने अपने आप को असहाय मान लिया है, राजस्थान सरकार पूरी तरीके से अपने आप को विड्रॉल का शिकार नहीं हुई। आप सरकार के लिए सरकार के समर्थन में ना कहे असहाय नहीं मनाए, सरकार तो कमाने में लग रही है, पीपी किट का घोटाला आप ये देखिए। पुनीत जी मैं तो एक चीज और कहूंगा आपसे और दीपक जी से सभी से कि आप अपने घर पर ड्राइवर भी रखते हैं, कितनी तनख्वाह देते हैं, आप ये देखिए 400 रुपए क्वारंटाइन सेंटर में खाने का रोज का जो खर्चा दिखा सकती है सरकार, जो सरकार 400 रुपए रोज में खाने का खर्चा दिखा सकती है व्यक्ति का। बिल्कुल एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। जी पुनीत जी, आपकी जी मैं एक लाइन कहके बंद कर रहा हूँ, दीपक जी मैं एक लाइन कहके बंद कर रहा हूँ, एक लाइन कहके बंद कर रहा हूँ, फिर पुनीत जी जवाब दे रहे हैं। जी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन सरकारों ने क्वारंटाइन सेंटर में आप देखिए 400 रुपए प्रति व्यक्ति का रोज का खाने का खर्चा, तो ये सब मैं नहीं बता रहा, ये तो सब जगह ऑडिट में भी आ चुका है। अब 400 रुपए रोज के खाने का मतलब एक व्यक्ति के परिवार में 4 लोग हैं, अगर मिनिमम नॉर्मल खाने की बात कर रहे हैं तो 250 रुपए रोज खाना खाने वाला एक मरीज, मतलब 1,00,000 रुपए तो मजदूर महीने का कमाए तो अपना खर्चा चलाए, ये तो सरकारें कर रही है, और आप इस सरकार को ऐसा ही कह रहे हैं, ये सरकार भ्रष्ट निकम्मे राजस्थान सरकार में। मुख्य स्वास्थ्य मंत्री जी ने तो अपना महकमा के किसी का स्वास्थ्य सुधरे नहीं सुधरे, 500 पीढ़ियों के लिए व्यवस्था कर जाएंगे, लेकिन करना सच ये है कि कोरोना ले बैठेगा सरकार, कोई ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। पुनीत जी बताइए, राजस्थान सरकार भ्रष्ट है, राजस्थान सरकार निकम्मी है, इन सब बातों के बारे में मैं कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भारद्वाज साहब को कह रहा हूँ कि हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय सरकारों की निकम्मे और नकारा होने के कारण जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके कारण जिस प्रकार की अमानवीय हालात उत्पन्न हुए हैं उसके ऊपर हुए हैं, और आप जिस विषय को उठा रहे हैं उस विषय के अंदर सबकी जिम्मेदारी है,
सरकार की जिम्मेदारी है, चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी है, चिकित्सकों की जिम्मेदारी है, पैरामेडिकल स्टाफ की जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है, आम नागरिकों के कारण मेरी जिम्मेदारी है, राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते भी जब मुख्य स्रोत ही खराब हो जाएगा, पुनीत जी जब बांध में ही खराबी आ जाएगी तो हम पाइपों में पानी कैसे आएगा? बिल्कुल बिल्कुल मीडिया की जिम्मेदारी है, बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूँ, बजरंग सोनी जी, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ बजरंग सोनी जी। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो समाज में पैदा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, और हर व्यक्ति की है। इसीलिए मीडिया की होने के नाते आज हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं, क्योंकि आज हमारे पास ये करीब 5 से 7 जो मामले हैं वो बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के आए हैं। आगे भी हमारे पास कोटा, उदयपुर, जोधपुर, कई शहरों के ऐसे मामले हैं जो हमारे पास लगातार आ रहे हैं। हम बीकानेर के जिला कलेक्टर से निवेदन करना चाहेंगे कि इस तरह की जो लापरवाही पूरी तरह से हो रही है पीबीएम अस्पताल में, उस पर पूरा गौर करें। हालांकि 2 दिन पहले पीबीएम अस्पताल में खुद जिला कलेक्टर जाकर आए थे, पीपी किट पहनकर वहां गए थे, वो खुद कोरोना वार्ड का निरीक्षण करने गए थे, लेकिन जब जिला कलेक्टर जाते हैं तो उससे पहले सारी चीजें दुरुस्त कर दी जाती हैं। वहां पर जो खाना भेजा जाता है मरीजों के परिवार के माध्यम से मरीजों को, वो बाहर साइकिल स्टैंड के पास में एक छोटा सा काउंटर बनाया हुआ है, वहां पर रख दिया जाता है। अब वो 4 घंटे के बाद मरीज तक खाना पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। दिनकर गोस्वामी और रामसाय हर्ष के साथ भी यही हुआ था, उनके परिजनों तक वो खाना पहुंचा नहीं पहुंचा ये पूरी तरह से गर्त में है, क्योंकि अगर पहुंचा भी है तो वो 4 घंटे 6 घंटे के बाद पहुंचा है, जिसका कोई लाभ नहीं है। और जो वेंटिलेटर पर मरीज है उनको डॉक्टर ये कह रहे हैं, उनको वहां के स्टाफ के लोग कह रहे हैं कि नीचे तुम्हारा खाना आ गया है, जाकर ले लो। लानत है ऐसे स्टाफ पर। मैं जिला कलेक्टर को कहना चाहूंगा कि वहां के जो स्टाफ के लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए, तब जाकर वहां पर कुछ सुविधाएं सुधरेंगी। सिर्फ वहां पर जाकर एक चक्कर लगाकर वापस आने से नहीं होगा। मैं मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी से हमारे कार्यक्रम के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लापरवाह डॉक्टरों को, ऐसे लापरवाह स्टाफ को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनको नौकरी से हटाया जाए और उनकी जगह दूसरे लोग स्टाफ को रखा जाए, ताकि वहां के लोग जो हैं वो कम से कम लापरवाही से ना मरे। डॉक्टर बजरंग सोनी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम 2 तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। दिखाने को ये हो रहा है कि हॉस्पिटलों में हमने बहुत सारी व्यवस्था कर दी है, वास्तविकता यह है कि छोटे हॉस्पिटल्स में और कई जगह तो पल्स ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध नहीं है, तो बहुत सामान्य सी चीज है। हमने हमारे हॉस्पिटलों को, हॉस्पिटलों की क्वालिटी इस तरह की कर रखी थी जो कोरोना से पहले ही होनी चाहिए, जो होने अब एकदम से इतनी बड़ी व्यवस्था संकट आ गया है और हमारे पास साधन ही नहीं है। और हमने क्या कर रखा है कि जूनियर डॉक्टर्स, खासतौर से रेजिडेंट डॉक्टर्स और जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटी लगा दी है। सीनियर डॉक्टर्स को जो सुपरविजन करना चाहिए, डर तो लगता है, लेकिन उसके बावजूद हमें बहुत सारे तरीके हैं, रिटर्न से हम कर सकते हैं, एंड्रॉइड फोन से हम कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग से कर सकते हैं, सीनियर डॉक्टर बहुत सारे तरीके। तो बड़े डॉक्टर को डर लगे तो रेजिडेंट डॉक्टर को हमने छोड़ दिया कि जो ईएनटी का डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर है, गायनेक का डॉक्टर है। क्या रेजिडेंट डॉक्टर में जान नहीं है? रेजिडेंट डॉक्टर रोबोट का बना हुआ नहीं है, उसमें भी जान है। सीनियर डॉक्टर को सोचना चाहिए इस बात को। मैं यही तो कह रहा हूं, हमने रेजिडेंट डॉक्टर्स पे और मेडिकल ऑफिसर्स पे तो छोड़ दिया, सीनियर डॉक्टर्स को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जो प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और सरकार को एक साथ जो साधन उपलब्ध कराने चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा आज भी बहुत कमजोर है और उसकी कारण से साधन बहुत कम है। बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार की इच्छा शक्ति में जो कमी है उसका दुष्परिणाम राजस्थान की जनता भुगत रही है। और आप जैसे पुनीत जी जो कह रहे थे, आप कहते डॉक्टरों का जोश खत्म हो गया, खत्म नहीं हो गया, वो ट्रैफिक पुलिस वाले सिपाही की तरह हो गया। जब सुबह सुबह आता है तो अपने हाथों से वो ट्रैफिक को गाइड करता है, शाम तक आते आते हाथ इतने थक जाते हैं जो अपने गर्दन से और हाथ से इशारा करने लग जाता है, तो डॉक्टर्स भी थक गए हैं क्योंकि स्टाफ कम होने से डॉक्टर्स और स्टाफ थक गया है। डॉक्टर साहब मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठकर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो मेहनत कर रहा है उसको सलाम करता हूँ, लेकिन उनको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है। वो मोटिवेशन राज देता है, वो सरकारें देती है, वो चिकित्सा मंत्री को देना चाहिए, वो मुख्यमंत्री को देना चाहिए। हरियाणा में नहीं, हरियाणा में हरियाणा सरकार ने तनख्वाह डबल कर पा रहे, इसके कारण आज स्थिति हुई है। आप जो कह रहे हैं
वो बात बिल्कुल ठीक है, सीनियर डॉक्टर्स ने अपने आप को कंफाइन कर लिया, सीनियर डॉक्टर्स उस पूरी इस पूरी मुहिम में उस ढंग से शामिल नहीं हुए जिस ढंग से उनके अनुभवों का लाभ इस बीमारी से लड़ने के लिए मिलना चाहिए था। लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए सरकारों को आगे आना चाहिए, सरकार और जिला प्रशासन अगर इस प्रकार से। पुनीत जी यहाँ पर एक छोटी सी लापरवाही और बताना चाहूंगा आपको, जो बीकानेर के ही पीबीएम अस्पताल में हुई है, वहां पर जब कोविड के मरीज को एडमिट किया जाता है तो वो सिर्फ कोविड का जो मरीज होता है उसका नाम, उसका आधार कार्ड और उसी का मोबाइल नंबर लेते हैं, बाकी किसी परिजन का मोबाइल नंबर नहीं लेते हैं। और यही मामला जो दिनकर गोस्वामी के मामले में भी हुआ और यही केस जो है राम साहब की माता जी की मृत्यु के दौरान भी हुआ। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब रात को अगली मॉर्निंग दिनकर गोस्वामी की मृत्यु हो गई थी तब उन तक ये सूचना भी नहीं दी सरकार अस्पताल प्रशासन ने, सूचना नहीं दी पुनीत जी। और जब उनका लड़का और उनका भतीजा सुबह 10 बजे चाय नाश्ता लेकर गया तब उन्होंने बाहर नाम लिख के अंदर भेजा तो उनका मरीज का नाम क्या है, तब 10 बजे उनको ये कहा गया कि दिनकर गोस्वामी है मरीज का नाम, तो उनका इनकी तो रात को ही मृत्यु हो गई थी, इनको मोर्चरी में पटक दिया है। उनके शब्द देखिए, उन्होंने कहा कि इनको मोर्चरी में पटक दिया है, वहां जाके ले लीजिए। वो 3 घंटे तक लगातार अस्पताल के चक्कर लगाते रहे, उनको उनके पिता की शव जो है वो नहीं दिया गया। इससे ज्यादा क्रूरता क्या हो सकती है, इससे ज्यादा मानव की हीनता क्या हो सकती है। ये आपराधिक लापरवाही है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और मुकदमे दर्ज कराने की इच्छा शक्ति सरकार की और जिलाधिकारी की होनी चाहिए। केवल मात्र बयानबाजी करने से नहीं हो जाएगा। हम सरकार के हमारा साथ सिटी लाइन का यही उद्देश्य है कि आज तो ये 4 मामले हैं बीकानेर में। दीपक जी आप मेरी बात, बजरंग जी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हम इस कालखंड में कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हम उनके साथ सहयोगी के नाते खड़े होना चाहते हैं। लेकिन आपको बात तो रखनी पड़ेगी ना, आपको अपने विपक्ष में होने की बात रखनी पड़ेगी। दीपक जी अंग चपटी का विषय भी हालांकि मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज जिस तरह की परिस्थितियां हो रही है, कई किसी लोगों ने पुनीत जी ये विषय भी किसी ने बताया मुझे कि मैं आपको क्या बताऊं कि उसमें जाके साहब ये आज किसी को मतलब दाह संस्कार के लिए भी परिजनों को दूर से देखने जाता है और लोगों में भय व्याप्त हो गया कि क्या अंग तस्करी की संभावना नहीं लगती। हालांकि मेरे को मैं किसी बात का गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं लोगों में विचार भाई आज सरकारों को चाहिए कि उनको जागरूक कर आए। आज कंडीशन क्या है, मास्क की बात करती भाषण दे देते हैं मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, ये रखनी चाहिए, लेकिन विरोध प्रदर्शन देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, किसी भी तरह का देख लीजिए, सरकारें दल सारे आपने खुद कहा कि राजनीति नहीं करनी है, इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब आते हैं ना सारे ही लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे के पास में डिस्टेंसिंग, जो जब तक आप क्या होता है जनता किससे सीखती है, जनता हमेशा किसी को मानती है। मैंने मेरे पिता से सीखा स्पष्ट बोलना और आज मैं बिना किसी डर के बोल पाता हूं, तो उसी तरीके से जनता भी जो होती है किसी को मानती है, किसी ना किसी नेता को अपना मापदंड मानती है। हम कहते हैं अरे भाई चाय की दुकान पे कल मेरी बात हो रही थी रात को, एक छोटी सी मेरे घर के बाहर चाय की दुकान, मैंने कहा भाई मास्क लगा के रखा कर, अरे बोला यार भाई जी काय बात कर रहे हो थे, वो देखो ना यार मैं देख प्रदर्शन में नेता लोग तो टीवी पर देख रहे हैं जो हमारा उनको ही कौन हो रहे हो, बोले मैंने कहा यार कितने हो गए, बोले 5-7 नहीं तो हो रहे। तो स्थिति ये है कि जी ये कंडीशन आपने बिल्कुल सही कहा कि सजगता रख के राजनीतिक रूप से ऊपर उठकर मानवता को अपनाने के लिए आगे आना पड़ेगा, हो सकता है, लेकिन उसमें डर क्या है, कई लोगों को डर है नहीं साहब मेरे संग ये हो जाएगा, मेरा यहाँ से पत्ता कट जाएगा, और पत्ता तो जब कटेगा ना जब आप रह पाओगे, दुनिया ये भूल जा रही है कि और कोरोना में ये नहीं है कि मॉर्टेलिटी रेट कम हो गई, बजरंग जी आप कुछ कहना चाह रहे थे तो आगे रह पाएंगे ना। बिल्कुल बजरंग जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, डॉक्टर बजरंग मैं ये कहना चाह रहा था कि अंग तस्करी या अंग निकालने वाली बात बिल्कुल बेबुनियाद है, लेकिन ये बात बहुत सही है जो आलोक जी ने कही कि लोगों में डर बढ़ गया कि मरने के बाद भी पीपी किट पहन करके घर वाले पास में जाके उसको कर सकते हैं, बिना छुए उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं, उससे कोरोना नहीं फैलेगा, अगर 6 फीट की दूरी से कर सकते हैं, तो वो हमने इतना डर बना दिया कि उसको प्लास्टिक में पैक करके ही मारेंगे जलाएंगे, तो वो डर को हमें खत्म करना कम करना पड़ेगा। और लोगों के पारदर्शिता, कोई छिपा हुआ चीज नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ अगर हम काम करेंगे और नए ढंग से मॉनिटरिंग करेंगे तो हम जरूर इस काम को कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें मॉनिटरिंग की कमी है कि जैसे पेशेंट आया हार्ट डिजीज है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम हमारे कार्यक्रम से यही सरकार को कहना चाहेंगे, यही प्रशासन को कहना चाहेंगे कि वो पारदर्शिता लाए, क्योंकि जब तक पारदर्शिता नहीं होगी तब तक लोगों के दिल में और दिमाग में सवाल जो है वो उठते रहेंगे और लगातार
सरकार जो है जो बड़ी बड़ी बातें करती है उसकी मॉनिटरिंग भी पूरी तरह से करे। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि एक सामान्य व्यक्ति की क्या हालत होगी होगी, जो मैं चर्चा में बार बार नाम ले रहा हूँ दिनकर गोस्वामी का, और उनके जो भाई हैं दिनकर गोस्वामी के, वो लगातार मुख्यमंत्री के साथ कई वर्षों तक, उन्होंने चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री रही हो या फिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हो, उनके साथ सालों साल उनके पीआर का काम देखा है, क्योंकि वो सरकार में डीपीआर में खुद काम करते थे। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं से फोन करके बीकानेर अस्पताल के डॉक्टरों से सिफारिश तक लगवाई, बावजूद उसके उनकी ये हालत हो गई। तो सोचिए एक सामान्य व्यक्ति, तो आम जनता का क्या होता होगा दीपक जी, आम नागरिक का क्या होता होगा दीपक जी, आम जनता का क्या सवाल, क्या स्थिति होती होगी। तो मैं पुनः दिनकर गोस्वामी के परिवार और राम साय हर्ष के परिवार के साथ पूरी तरह से हमारी सिटी लाइव की श्रद्धांजलि है, और हम इस मुहिम को लगातार जारी रखेंगे जब तक कि हम उन लापरवाह लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक, क्योंकि हमारा काम है आम जनता को वास्तविकता से रूबरू करवाना। उसके आपके मार्फत मुख्यमंत्री को एक संदेश देना चाहता हूं। निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तक भी हमारी आवाज, मैं मुख्यमंत्री से एक लाइन कहना चाहूंगा दीपक जी आपके द्वारा, मैं मुख्यमंत्री महोदय से एक लाइन कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ये जाने के ना कि आज कंडीशन जो है ना इस राजस्थान की, उसके लिए कहीं ना कोई कोई देशी है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, मैं व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, नाम व्यक्तिगत दोषारोपण करता है मैं उस व्यक्ति विशेष पे करता, मैं उस पद पे कर रहा हूँ जो मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री है, वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री है, ये आप लोग ही जिम्मेदार है। और ये कि नहीं तो जनता ना कि तूने जनता कल को ये नहीं कहा कि तूने चाहा ही नहीं वरना जनता के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तुमने चाहा ही नहीं वरना इस आंसू में जनता के आंसू तुम्हारी आंखों से निकल सकते, अगर दरिया बनते तो कहीं दूर निकल सकते थे, तुम झील के पानी की तरह ठहरे हुए शर्मानी के, और पानी ठहरा हुआ सड़ता ही है, कहीं भी देखेंगे जब पानी रुकता है तो सड़ जाता है। आज मुझे राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ दीपक जी, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, एक बात कहूंगा कि इस देश के अंदर एक व्यक्ति हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी को सभी जानते हैं, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जो बात कही थी वही है कि अब वही चीज हो जाएगी कि उन्होंने जो कहा था कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया जलता रहेगा। इस कोरोना काल ने आकर भगवान ने दिखा दिया, आप कुछ भी कर रहे थे जो संग्रहण कर रहे हैं, अति कर रहे हैं, कोई सा भी राजनीतिक दल हो, अति की पराकाष्ठा हो गई है, आने वाले समय में जनता जागरूक होकर आएगी और सत्यता जो है ना वो सबकी आंखों के सामने अपने आप रहेगी। अगर रहेंगे तो देख पाएंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा कि समय की भी एक सीमा है, क्योंकि अब चलते चलते हम यही हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे कि अगर आपकी भी कोई समस्या है, आपकी भी कोई परेशानी है, तो हमारे फेसबुक लाइव के माध्यम से या हमारे जो यूट्यूब के माध्यम से हमें सूचना दे सकते हैं, अपनी शिकायत दे सकते हैं, हम उनके मुद्दों को भी इसी तरह से उठाएंगे जिस तरह आज हमने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल का, दिनकर गोस्वामी का और राम साय हर्ष की जो माता जी हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था उनका मुद्दा उठाया, इसी तरह हम और भी मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे और सरकार की और प्रशासन की आंखें जो है इसी तरह खोलते रहेंगे। चलते चलते मैं बजरंग जी आपसे, आलोक जी आपसे और पुनीत जी आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने अंतिम व्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे। बजरंग सोनी जी पहले। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अच्छा अवसर है सरकार के पास कि वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ठीक कर ले जी, क्योंकि ऐसी पेंडेमिक कभी भी आ सकती है, मतलब भूख प्यास लगने के बाद कुआ खोदना या भूख लगने के बाद रोटी बनाना समझदारी का काम नहीं है जी। हमें पहले से हमने डिसेंट्रलाइजेशन जो सेंट्रलाइज कर लिया, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन करना था हेल्थ सिस्टम को, पेरिफेरी के सिस्टम को खत्म कर दिया, प्राइवेट हॉस्पिटलों को हमने खत्म कर दिया, छोटे छोटे हॉस्पिटलों को हमने खत्म कर दिया, हमने कहा कि एसएमएस हॉस्पिटल में ही इलाज होगा, हमारा इलाज संतोबा दुर्लभ जी में ही होगा, लेकिन एसएमएस हॉस्पिटल और संतोबा दुर्लभ जी की कैपेसिटी निश्चित है, हमें पेरिफेरी को डेवलप करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, जिस तरह हरियाणा सरकार ने चिकित्सा कर्मियों का वेतन डबल किया, उस तरह इंसेंटिव देकर के इनको मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी हम आगे किसी तरह के आने वाले संकट से बच पाएंगे, अन्यथा ये परंपरा चलती रहेगी। पुनीत जी आप अंतिम व्यूज अपने चलते चलते। सरकार को अपना निकम्मापन और नकारापन छोड़कर इस बात के लिए मानना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा संकट है और इस संकट से निपटने के लिए उनको एकजुट होकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं मोटिवेशन दिया जाना चाहिए सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, उनकी सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, उनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिए, नए सेंटर्स डेवलप किए जाने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाना चाहिए। आज जो प्रांत की राजधानी है वहां पर भी सारे अस्पतालों में एक भी आईसीयू वेंटिलेटर खाली नहीं है, बेड नहीं मिल रहे हैं, नए एडमिशन नहीं हो रहे हैं, इतनी बुरी हालत कोटा की है, इतनी बुरी हालत जोधपुर और उदयपुर की है, दूसरे बड़े शहरों की है, तो छोटे सेंटर्स पर कैसी हालत होगी इसकी कल्पना कर कर भी सिरन होती है। इसलिए सरकार
अब अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपनी जिम्मेदारी को समझकर पूरी तरीके से राजनीतिक कारणों से अलग जाकर इन सब चीजों के ऊपर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें और इस पेंडेमिक से लड़ाई लड़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा से तैयार हो। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, भारतीय जनता पार्टी के नाते उनका सहयोग करेंगे, लेकिन जहां जहां कमी रहेगी उस कमी को सरकार को बताएंगे, उससे सरकार को अवगत कराएंगे, आवश्यकता पड़ने पर सरकार के कान भी उमड़ेंगे। बिल्कुल आलोक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? दीपक जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, दोनों को मैंने सुन लिया, डॉक्टर साहब को भी, इनको भी, कि डॉक्टर साहब ने पैसे की बात अति सर्वत्र वर्जित है कि इस सब चीजों से अगर हम ऊपर उठेंगे ना, आप ये पैसा देना छोड़ दें, सरकारों ने जो कर रखी है ना, कोई सी भी सरकार रहे, संग्रहण की प्रवृत्ति को त्याग कर अब तो इंसान, तो देखिए आप, ये पहली चीज है कोरोना ने आके भगवान ने क्या करा, वैश्विक त्रासदी कर दी ना, पूरे विश्व में लिया है, केवल राजस्थान में नहीं है, क्योंकि ये भगवान का एक संदेश हो सकता है उस शक्ति का, उस परम पिता का, कि आप आइए अति से ऊपर उठिए, तभी ना, नहीं तो आज कोरोना चला जाएगा, कुल और आ जाएगा, इसलिए संग्रहण से ऊपर उठिए, इंसान के काम इंसान ही आएगा, इंसान बन जाइए सब, अपने नजदीक के पास जाए, चाहे प्रधानमंत्री जी की अपील हो, मान लीजिए किसी की भी मान लीजिए, एक सामान्य नागरिक बनकर काम करिए, अति से ऊपर उठ जाइए, संग्रहण करके कोई नहीं ले जाता, जाने के लिए कितना भी बड़े हवेली बना लेना, वही दो गज की आज छह गज है ना, लेकिन जाने के लिए वही दो गज के अंदर जाना पड़ता है, कड़वा सच कह रहा हूं, इसलिए अति से ऊपर उठकर सब लोग आए, चाहे वो बड़े मुख्यमंत्री से लेकर और आम नागरिक तक, सबका देखे आप बेचारे, किसी को रोटी मिलती रहे, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, और जैसा कि ये कहा पुनीत जी ने कि कहीं पे भी वेंटिलेटर नहीं है, ये नहीं है, स्थिति यही है, सब जगह की स्थिति आप जानते हैं, और इवन स्थिति ये हो गई है दीपक जी, आप देखें अगर पड़ोस में भी कोई अगर आपके बीमार है ना, तो उसको भी कोई परवाह नहीं है, आज इंसानियत इतनी कट गई है, किसी पड़ोसी को ये पता है आलोक भारद्वाज का मकान है क्योंकि नेम प्लेट लग रही है, कौन आके जा रहा है, कौन जा रहा है, ये जो हमारी खत्म हो गई है ना सामाजिकता, इस सामाजिकता का भाव क्यों खत्म हो, ये जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो नेता लोग बैठे हुए हैं, मंच पे से भाषण दे जाते हैं, आते हैं और ऐसी नीतियां लाते हैं, सामाजिकता का विखंडन करते जाते हैं, दोबारा से सामाजिकता सद्भाव का भाव जगाइए, तभी सब कुछ हो पाएगा। बिल्कुल आलोक जी, तभी सब इसमें कुछ हो पाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम में हमने अलग अलग फील्ड के अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बातचीत की, और हमने इस पूरे कार्यक्रम के लिए कांग्रेस के भी तीन चार नेताओं से बातचीत की थी, लेकिन वो हमारे इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, उन्होंने मना कर दिया कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, खैर बोलने को नहीं है, तो क्या हमारी जो बात है वो हम आम जनता तक जरूर पहुंचाएंगे, चाहे वो डॉक्टर बजरंग सोनी के माध्यम से हो, चाहे वो पुनीत जी के माध्यम से हो, चाहे वो आलोक जी के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे सिटी लाइव के माध्यम से, हम आम जनता की आवाज आम लोगों तक और प्रशासन और सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। आपकी भी अगर कोई समस्या है तो आप हमें बताइए। आज के कार्यक्रम में इतना ही, दीपक गोस्वामी को इजाजत दीजिए, साथ ही में बजरंग सोनी जी आपका, आलोक जी आपका और पुनीत कर्णावत जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम आएंगे, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नमस्कार। दीपक जी आपका और टीम सिटी लाइव का भी धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने ज्वलंत मुद्दे को, जो आम नागरिक अच्छे मुद्दे तो सब उठा लेते हैं अपने मतलब के, लेकिन आपने जनता के लिए मुद्दा उठाया और कई लोगों के आत्मिक भाव जो है ना, पुनीत जी का भी नजर आया, आज ये सकते ना कहते ना अंतर्मंत्री सब बोलता है आदमी, तो बिल्कुल सत्यता और इंसानियत की बातें बोलता है बजरंग डॉक्टर साहब ने भी, सबने आज बेहतर तरीके से कहा, जनता की आवाज है आप लोगों के, अब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को ये देखना चाहिए कि जनता क्या कह रही है और इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए, तभी सब कुछ संभव हो पाएगा, वरना गर्क हो जाएगा इनका सबका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार। City Live, a platform to sharing your thoughts.